विश्वास प्रस्ताव खारिज करने को लेकर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई रहेगी जारी। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच से सुनवाई करने की मांग की। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ इमरान का विपक्ष पर हमला, कहा अंपायर की मदद से जीतना चाहते हैं मैच। इस्लामाबाद में पीटीआई समर्थकों ने किया प्रदर्शन। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 41वां दिन, मरियोपोल में दोनों की सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेन का कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा, युद्ध पर जी न्यूज की महा कवरेज भी जारी। बुचा नरसंहार पर घमासान जारी, जेलेंस्की ने कहा यह नरसंहार से भी ज्यादा। बाइडेन बोले साबित हो गए पुतिन युद्ध अपराधी हैं। रूस का जवाब, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की हालत बेहद खराब, 4 नए मंत्रियों ने ली शपथ। श्रीलंका में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा जी न्यूज। श्रीलंका के संकट को देखते हुए वरिष्ठ नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा लोक लुभावन वायदे आर्थिक संकट की ओर घसीट ले जाते हैं। देश में 80 पैसे बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 15 दिनों में 13वीं बार बढ़ी कीमत, अब तक 9.20 रुपए महंगा हो चुका है पेट्रोल डीजल। साउथ दिल्ली में नॉनवेज की दुकानें बंद करवाने को लेकर सियासत तेज, AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने पूछा कहां गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कौन करेगा इसकी भरपाई। लाउडस्पीकर से अजान को लेकर उठे विवाद पर रूपा गांगुली ने किया सवाल, धर्म की स्थापना के समय क्या लाउडस्पीकर थे, दिन में 5-10 बार लाउडस्पीकर बजाने का क्या मतलब है। यूएपीए हटाने के प्रस्ताव पर अमित शाह का करारा जवाब, कहा देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ जरूर लगेगा यूएपीए, देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमें दी गई है।